हज़रत खलीफ़तमसी राब रहम् की सीरत पर कुछ कहना है हुजूर की ज़ात में मुख्तल ख़ूबियों और नेकियों का जो अजीब तनव था उसका तो मामूली सा अतता करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं इसलिए सिर्फ चंद पहलुओं पर मुश्तमिल कुछ वाक़ पेश करता हूँ हजरत साहिब रहम् ने जब मुझ नाचीज़ को अपना प्राइवेट सेक्रेट्री मुकर फरमाया तो किसी दोस्त ने अपनी तरफ़ से बड़ी हमदर्दी के साथ मुझे कहा कि तुम्हें हुजूर से बहसीत खलीफतुलमसी जो शफकतें और प्यार मिलता था वो अब ख़त्म समझो अब तो अफसरी और मातहती का एक रस्मी ताल्लुक़ होगा झिड़कियाँ भी पड़ेंगी जवाब तलबियाँ भी होंगी और न जाने क्या, क्या क्या कहा लेकिन खुदा जानता है कि मैं तो हमेशा ही आपके प्यार का मोरत बना रहा हमेशा एतमाद फरमाया हमेशा हौसला बढ़ाया कभी किसी मुश्किल में फंस जाता तो खुद ही उसे निकाल लिया करते मुझ जैसे नालायक और कम इल्म और तहीदस्त इंसान को हमेशा अपना करबता फरमाए रखा मशवरे भी कर लिया करते और मेरी कमजोरियों से सरफ़ नज़र भी खूब फरमाते अल्लाह हुजूर हजूर को करीब से देखने का मौका दिया आपको खुदा ताला पर तवक्कुल था मान था और खुदा तला भी आपसे लोअ अक्सम आबर रहू वाला सलूक करता था कि जैसे कहते वैसे ही हो जाता और आप इस और आप इसका बाज़ात इजहार भी फरमाया करते थे बारहा ऐसे हुआ कि एक बात आपके मुंह से निकली तो खुदा ताला ने उसके पूरे होने के सामान भी पैदा फरमा दिए किसी को फरमाया कि तुम्हारी शहरीत का मसला हल हो जाएगा तो बिल्कुल उसी तरह हुआ किसी को नरीना औलाद की खुशखबरी दी या बच्चे बच्ची में से सिर्फ़ एक नाम लिख कर भिजवाया तो अल्लाह ने उसी के मुताबिक औलादता फरमाई फिर किसी को खाद दीन होने की दुआ दी तो किसी को कारोबार में बरकत की नवीद सुनाई किसी को शिफायाबी के लिए दुआ या दवा से नवाजा तो वो सालों बाद में जबकि डॉक्टर ने उसके लिए ये कह दिया हुआ था कि ज़िंदगी के इम्कान नहीं ला इलाज समझो तो हमेशा ही वो शिफा पाते रहे तो इस तरह अल्लाह ताला की ज़ात पर आपको जो तोल था खुदा ताला ने हमेशा उसकी लाज रखी हज़ूर राहुल्ल हमेशा अल्लाह ताला पर जो भरोसा फरमाते थे उसके इजहार के तौर पे एक वाक़ा पेश करता हूँ एक बार जब दिन भर का प्रोग्राम पेश किया गया तो हुजूर ने उसमें बीबीसी के नुमाइंदे के साथ इंटरव्यू का वक्त लिखा हुआ देख फरमाया कि मुझे तो इल नहीं था कि इसने आ जाना है मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की हुई फिर यकदम बड़े इसतगना के साथ फरमाया कि आने दो पहले मेरे काम कौन से मेरी तैयारी से होते हैं अल्लाह के काम हैं वो जैसे चाहेगा करवा लेगा एक दफ़ा खुदाम जर्मनी के अज्तम में शिरकत के लिए यूरोप और अमेरिका वगैरह से भी नुमाइंदान को दावत दी गई इस मौका पर अमेरिका से सदर मजलिस खुदाम किसी मजबूरी की वजह से शामिल ना हो सके तो उन्होंने जिसे अपना नुमाइंदा बना बनाकर भिजवाया वो खुदाम अहमदिया की तंजीम के किसी भी अहदे पर फायज़ नहीं थे इज्तम के दौरान हज़रत साहब ने अपनी तकरीर में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए नुमाइंदगान का जिक्र करते हुए फरमाया कि खुदामहमदिया के, खुदाम के फ़लां फलांह मुल्कों के सदर यहाँ आए हुए हैं और साथ ही सदर मजलिस ख़ुदामदिया अमरीका के आने का भी जिक्र फ़रमा दिया अब जो नुमाइंदा बन के आए हुए थे उन्हें फिक्र लाक हुई कि मैं तो कुछ भी नहीं और हुजूर ने मुझे सदर खुदाम अहमदिया के तौर पे मेरा जिक्र कर दिया है चुनाचे जब नुमाइंदान की बाद में मीटिंग हुई तो उन्होंने हज़रत साहब से अपनी तशवीश का इजहार हुजूर ने उनकी बात सुनकर ग़ौर से उनकी तरफ़ देखते हुए फ़रमाया अच्छा तो तुम सदर खुदामदिया नहीं हो उन्होंने अर्ज़ किया जी नहीं हजूर फरमाया बन जाओगे अल्लाह की तकदीर देखें कि चंद सालों के बाद वही खादम जिसके पास उस वक्त कोई भी अहदा नहीं था मजरस्य ख़ुदामद यह अमरीका के सदर मंतब हुए और चंद साल कबल हज़ूर राह की ज़ुबान मुबारक से अल्लाह ताली ने उनके मतलब जो कले निकलवाए थे खुदा ताला ने खुद ही उन्हें पूरा करने के सामान भी फरमा दिए इंग्लिस्तान में एक दोस्त इमिग्रेशन के मामले की वजह से बहुत परेशानी का शिकार थे बार बार आते कि हज़ूर हर ने नामंजूर कर दिया है अब तो कोई सूरत बाकी नहीं रही यहाँ तक कि जमात के एक मारूफ दोस्त जो इन कामों में अमूमा मदद किया करते थे उन्होंने भी ये कह दिया कि तुम्हारा काम नहीं बन सकता वो उन दिनों अक्सर हजूर की खिदमत में जब ये लिखते तो जवाबन हजूर की तरफ से हमेशा उन्हें यही जवाब मिलता कि फ़िक्र ना करो ये लोग तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते पासपोर्ट देंगे तुम्हें चनाचे और फिर साथ ही ये भी फरमाते हैं कि मेरे सामने इस तरह मायूसी वाला मुंह लेकर ना आया करो ख़ुद तुम्हें बुला के ये पासपोर्ट देंगे वो हैरान होते कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जानब तो मुझे मुल्क छोड़ने के लिए कहा जा रहा हो और दूसरी तरफ हजूर हैं कि तसलीओ पर तस्लियाँ दिए जा रहे हैं कि तुम्हें इस मुल्क से कोई नहीं निकाल सकता आखिर अल्लाह ने हजूर की ज़ुबान में से निकले हुए इनफाज को नामवाफिक हालात के बावजूद बड़ी शान से पूरा फरमाया और इस मुल्क से निकालना तो रहा एक तरफ उन्हें और उनकी फैमिली को बुला पासपोर्ट ही दिया गया अलहमदल हुजूर बहुत शजा और बहादुर इंसान थे पाकिस्तान से हिजरत के वक्त आपको ये मशवरा दिया गया कि पगड़ी वगैरह ना पहने लेकिन आपने इस मशवरे को रद्द करते हुए फ़रमाया कि किसी को जमात पर तमस्कर करने का एक बहाना मिले ये मुझसे नहीं हो सकता आपने फरमाया मेरी ज़ात की तो कोई हैसियत नहीं मगर वो जब बात करेंगे तो जमात अहमदिया के सरबरा की हैसियत से मेरा नाम लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि मैंने बुजदली से अपना हुलिया तब्दील करके बाहर निकलने की कोशिश की थी इसलिए मैं पूरे वक़ार के साथ कानून के दायरे में रहते हुए यहाँ से जाऊँगा खुदा की मर्जी अगर इसके अलावा कुछ और है तो न मैं उससे घबराता हूँ और न डरता हूँ अब हुजूर राहल के इस फैसले की बरकत और इसके शीरें समारात को आप देख लें कि सारे जहान में आहमदिया तेज़ी से फैल रही है और एम टी ए के ज़रिए इनकी तालीम तरबियत और रूहानी तरक्की के मौक़े भी मैसर हैं खलीफा वक्त और अहबाब जमात के दरमियान कोई भी हायल नहीं रहा और ना ही कोई ऐसी कोशिश करने वाला कभी कामयाब हो सकता है अब तो हक आशना की फ़कीराना सदा का दुनिया की तमाम जहाद में फैलना मुकदर हो चुका है और किसी में ताकत नहीं कि इस तकदीर को बदल सके फ़ा हजूर राहम ने बड़ी तहदी से ये फ़रमाया था कि मुझे अल्लाह ताला ने कबूलियत दुआ का निशान अता फ़रमाया है इसकी सच्चाई के वाक़ हज़रत साहब की ज़िंदगी में चमकते हुए निशानों की सूरत में जा बजा बिखरे पड़े हैं और ये अल्लाह का मुझ आज इस पर एहसान है कि उसने उनमें से ला तदाद का गवाह बनने की सहादत मुझे अता फ़रमाई फमदाल हुजूर हमेशा नई और पुरानी दोस्तियाँ और ताल्लुक़दारियाँ अपने जहन में रखते और उनसे ताल्लुक निभाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते हुजूर के एक पुराने दोस्त की बच्ची ने निकाह के बाद अपने मियाँ के पास कनेडा जाना था वीज़े का इनकार हो चुका था वो लंदन जलसे पे आई तो यहाँ से भी कोशिश की गई मगर इनकार हो गया बाद दोस्तों ने गारंटी भी दी लेकिन कामयाबी ना हुई आखिर हुजूर ने फरमाया कि अब यह काम दुआ से होगा चुनाचे हज़ूर ने उसे तीसरी बार वीज़ा देने के लिए वीज़े के लिए भिजवाया और ख़ुद दुआ करते रहे तो अल्लाह ताला ने फजल फरमा दिया और वीज़ा ऑफ़ीसर ने यह कहते हुए वीज़ा दिया कि आम तौर पर जब वीज़े का इनकार हो जाए तो हम वीज़ा नहीं देते लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें वीज़ा दे रहा हूँ जब बच्ची कैनेडा जाने लगी तो हज़ूर रहम्ला ने फरमाया कि आओ मैं तुम्हें पिस्ते वगैरह देता हूँ लेकिन जब आपने अपने दफ्तर की दरवाज़ों वगैरह को देखा तो उनमें से कोई ऐसी चीज़ न मिली जो आप उस बच्ची को पेश करते इस पर हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं मैं तुम्हें वहाँ भिजवा दूँगा लेकिन आपके साथ खुदा तला का जो सलूक था उसकी शान देखें कि शाम को जब मुलाकातें हुई तो उस वक्त अचानक एक शा, ऐसा शख्स आया जिसकी मुलाकात भी नहीं थी उसने अपने हाथों में पिस्तों के कुछ पैकेट उठाए हुए थे वो अपना खत और पैकेट दे के चला गया जब हुजूर की खिदमत में उन्हें पेश किया गया तो आप देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया मैं अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र अदा करूं, कम है इस शख्स को अल्लाह ने मेरे पास इसलिए भिजवाया ताकि मैं बच्ची से अपने किए हुए वादे को पूरा कर सकूं, जबकि शख्स की ना तो मुलाकात थी और ना मैं मैंने इससे मुलाकात की और फिर मैं तो इस वाक्यों को भी भूल चुका था लेकिन अल्लाह ताली ने उस वाक्य को पूरा फरमाना था इसलिए इस आदमी को भिजवा दिया हमारे दफ्तर के एक दोस्त ने वक्फ नौ की तहरीक के ऐलान पर फ़ौर लब्बैक कहा और अपना नाम लिखवा दिया जबकि फैमिली अभी पाकिस्तान में थी हजूर ने उनके इस अखलास को याद रखा और कुछ से बाद जब वो छुट्टी पर पाकिस्तान जाने के लिए हजूर से मिले तो हजूर ने मुस्कराते हुए फरमाया कि तुम्हारे वक्फ नौ का क्या बना उन्होंने अर्ज़ किया कि हजूर मैं तो यहाँ हूँ ये सुनकर आपने फ़रमाया कि अच्छा आप जा तो रहे हो मैं दुआ करूँगा अल्लाह फजल फ़रमाएगा और फिर वाकई अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से उन्हें वक्फ़ नौ की तारीख में शमूलीत की तोफ़ी कता फरमा दी एक दोस्त को अल्लाह ने बेटी से नवाजा तो वो हज़ूर की ख़िदमत में हाजिर हुए उस वक्त बच्ची की उम्र पंद्रह दिन थी उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़ू मैं इसे वक्फ नौ में पेश करता हूँ इस पर हुजूर ने फरमाया कि देखो इसे पेश ना करो बल्कि अल्लाह तुम्हें आइंदा बेटे से नवाजेगा उसे वक्फ़ करना उन्होंने हुजूर की बात सुनी अनसुनी कर दी और वजीद रहे कि इसे ही कबूल करें हजरत साहब ने फिर बड़े ज़ोर से कहा कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे कि इस बच्ची को रहने दो अल्लाह ने तुम्हें बेटे से नवाजना है वो जब हो तो उसे वक्फ़ करना चुनाच अल्लाह त जल्दबाज उन्हें अपने फ़जल से नवाजा और बेटा अता फरमाया जक्फ नौ की तहरीक में शामिल है खलफा अहमदीत की रोज़मर्रा की मसरूफियात का एक अहम पहलू दुनिया के दूर दराज ममालिक आने वाले खतूत को पढ़ना और उनके जवाब अताफरमाना है फजर साहब अपनी डाक को जिस तरह मुलाजा फरमाया करते थे उसका जिक्र करते हुए उन्नीस सौ बानवे में आपने एक गैर मुबाए लाहौरी अहमदी दोस्त को ये तहरीर फरमाया आपको इस बात पर तजुब है कि कैसे मैंने वक्त निकाल कर अपने हाथ से इतना लंबा ख़त लिखा एक ऐसा शख्स जो खिलाफत अहमदिया से वस्ता ना हो उसके लिए यह तजुब बरहक है मगर जो अहमदी दुनिया के सौ से ज़ायद ममालिक में खिलाफत से वाबस्त हैं खुदा तला के फजल के साथ उनको ऐसे तजारब होते रहते हैं कि उनके नज़दीक ये बातें तजुब अंगेज़ नहीं रहीं आपने मेरे मसरूफ़ होने का जिक्र फरमाया है यह दुरुस्त है कि बस दिनों में रोज़ाना के खतूत की तादाद हज़ार से भी बढ़ जाती है लेकिन बिलुमूम पाँच सात सौ की हद में रहते हैं मेरा दस्तूर ये है कि उनमें से ऐसे खतूत जो मुख्तफ़ावियों से किसी नोइत की अहमियत रखते हों उनका जवाब खुद लिखवाऊँ लेकिन बाद ऐसे भी खतूत होते हैं जिनमें यह तकाजा होता है कि मैं अपने हाथ से भी चंद हरूफ़ लिख दूँ इसी तरह बाज़ ऐसे खतूत भी निकलते हैं कि खुद मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है उनकी हौसला अफजाई के लिए और अखलास को मजीद जला देने की खातर अपने हाथ से जवाब लिख लूँ यह चूँकि रोज़मर तो मुमकिन नहीं इसलिए कभी किसी जहर काबिल को चुनना पड़ता है और कभी किसी जहर काबिल को और बदल बदल कर हसब तोफ़ी कदरदानी की तोफ़ी मिलती रहती है जहाँ तक निज़ाम जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल हैं जो एक सौ छब्बीस ममालिक फैले पड़े हैं ये उस वक्त की बात है उन्नीस सौ बानवे की जब हज़ूर ने उनको ख़त लिखा जो 126 सौ छब्बीस ममालिक पर फैले पड़े हैं उनमें तो तमाम तर हदायत खुद लिखवानी पड़ती हैं अक्सर खतूत चुके महज दुआया मजमून पर मुश्तमिल होते हैं इसलिए उनका बोझ रज़ाकार, रज़ाकारारखलसिन बाट लेते हैं और मेरी अमूमी हदायत के ताबे दुआया जवाब लिख देते हैं ये अल्लाह त खास एहसान है कि दूसरे बेशुमार कामों के बावजूद खुदा तला के फजल से ये तोफ़ी मिलती चली जा रही है अब अपने इस तरह के जो रज़ाकार खादिम थे उनके साथ जो हजूर की दिलदारियाँ और प्यार के इजहार थे उसके चंद हम पेश करूँगा गया ये दिलदारियाँ और प्यार अपने ग़ुलाों और खुदाम पर आप पर ख़त्म था। थाजूर का तरीक था कि हर काम के लिए बड़ी तफसील से समझा समझा कर हिदायत दिया करते थे लेकिन जब भी कोई खादम वो काम आपकी दी हुई उन्हीं हदायत के मुताबिक करके लाता तो आप उसकी इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई फरमाते इतनी ज़्यादा कदरदानी करते हैं कि गोया वो काम उसी ने किया है और आपने तो उसे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में कोई हिदायत नहीं दी कोई कुछ नहीं कहा हुजूर राह मोल्ला अपनी डाक का बोझ बांटने वाले जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया है कि मुखलसिन से जो दिलदारी का सलूक फरमाते थे उस सिलसिले में जो वाक़ हैं वो उनमें से चाँद पेश कर रहा हूँ एक दफ़ा हजूर राह मोल्ला की खिदमत में लजना डाक की टीम की तरफ से नए साल की मुबारकबाद का ख़त पेश हुआ तो इसके जवाब में आपने फरमाया आप सब की तरफ से साल नौ की मुबारकबाद और मुश्तमिल ख़त मिला जो पुखलूस नेक तमन्नाओं और मोहब्बत भरी दुआओं से गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है मैंने सोचा कि इस मौके पर एक बात जो बहुत देर से मेरे दिल में है इजहार तशक् के तौर पर बयान कर दूँ मेरी हिजरत के दौरान इस दारुल हिजरत में आप सब ने जिस तरह लंबे अरसे तक गहरे खलूस के साथ अपने कलम से मेरी अनथक नुसरत फरमाई है अपने कलम से मेरी अनथक नुसरत फरमाई है इसका असर मेरे दिल पर एक अनमिट नक्श की सूरत में जमा हुआ है अल्लाह बेहतर जानते है कि यह दौर कब तक चलेगा लेकिन यह नक्श तशक् मेरे दिल से कभी नहीं मिटेगा और हमेशा आपके लिए दुआओं का महरक बना रहेगा ऐसे ही एक रज़ाकार खादिम ने जब आपको ये लिखा कि इस भीड़ में हम कहाँ याद रहते होंगे करीब रहकर भी दूरी का एहसास रहता है हमें भी दुआओं में याद रखा करें तो ने बड़ी शफकत से अपने दस्ते मुबारक से उनके खत पर लिखा प्यारे अजीज़म आप याद रहते हैं आप इन ख़िदमत करने वाले रज़ाकारों को अपनी मोहब्बत परी दुआओं के साथ साथ पुरखलूस तहफ़ से भी वक्ता फ़क्तान नवाज़ते रहते थे इन्हीं रज़ाकारों में से एक ने तोहफा पाकर जब आपका शुक्रिया अदा किया तो आपने उसे लिखा आपकी तरफ़ से तहफ़ों पर शुक्रिया के अल्फाज तकल्लुफ़न ही हैं वरना ये तो मेरा फ़र्ज है और आपका हक आपकी तरफ़ से तोहफा बस शुक्रिया के अल्फाज तकल्लुफन ही हैं वरना ये तो मेरा फ़र्ज़ है और आपका हक़ आप इतनी खिदमत करते हैं ये तो सिर्फ़ टोकन के तौर पर है इसके अलावा असल तो वो दुआ है जो मेरे दिल से आप लोगों के लिए निकलती रहती है हुजूर अपने साथ काम करने वालों से बेहद नरमी और शफकत का सलूक फ़रमाते अगर कहीं असलाह की ज़रूरत पेश आती तो समझा दिया करते थे अगर कभी कोई मामूली सख्ती करनी पड़ती तो वो कारकुन जो आपकी शफक़त और मोहब्बत के आदी हो चुके थे घबरा उठते और हुजूर की नाराज़गी के एहसास को अपने दिल का रोग बना लेते एक दफ़ा ऐसे ही एक शख्स को जो आपकी नाराज़गी से बेहद पेशेमान और परेशान था आपने इस तरह तसल्ली दिलाई आप जो इतनी मेहनत और से काम करते हैं इसकी मेरे दिल में बहुत कदर है अलबत् काम में कहीं सुकम नज़र आए तो तवज्जो दिला देता हूँ इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं नाराज़ हूँ इस दफ़ा एक सुकम पर तोज् दिलाने को आपने खामखा दिल पर लगा लिया है तोज्जो दिलानी थी सो दिला दी और बात ख़त्म हो गई लंदन के दफ्तरों में काम करने वाले एक कारकुन के साथ हमेशा हजूर का प्यार का ये सलूक रहा कि वो जब भी दफ्तरी मुलाकात के लिए हजूर की खिदमत में हाजिर होते तो मुलाकात के अख्तिताम से पहले हजूर हमें बुलाकर इर्शात फरमाते कि इन्हें मिठाई का एक डिब्बा दे दें कभी सवालिया अंदाज़ में आप सिर्फ इतना फरमाते हैं कि इनकी मिठाई और मुराद यह थी कि इनके लिए मिठाई लाओ चनाचे जब मिठाई पेश की जाती है तो आप डिब्बे ड़, ड़, को अपने दस मुबारक में लेकर खुद खुद ही उन्हें इनायत फरमाते आपके खादिम को किसी ने तोफ़ता एक माकू रकम का चेक भिजवाया तो यह कहकर उसने उस, उसे हजूर की खिदमत में पेश कर दिया कि हजूर मेरा तो इस पर कोई हक नहीं बनता आपकी खिदमत में पेश है फरमाया ही आप इनको वापस भिजवा दें लेकिन कुर्बान जाऊँ मैं उस प्यार इमोशन पर कि अगले दिन सुबह तीन कारकुनों के नाम तीन लफाफे दिए और फ़रमाया कि ये इन में तकसीम करवा दें जब खोले गए तो उनमें मजमूरी तौर पर उतनी ही रकम रखी थी जो एक रोज़ पहले वापस किए गए चेक में थी और इस तरह आपने अपने खुदाम की ज़रूरतों का ना सिर्फ ख़ुद ख्याल फरमाया बल्कि उन्हें दूसरों की तरफ़ देखने और उनका दस्त होने से भी बचा लिया कुछ अर्सा बाद जब इसी खादम को आपने यूरोप के एक मुल्क में उठने वाले मसाइल के हल के लिए अपना नुमाइंदा बनाकर भिजवाया तो दूसरे ही दिन उसे लंदन से ख़ुद फ़ोन करके फरमाया कि मुझे इल्म है कि आप किसी से तोहफ़ा कबूल नहीं करते लेकिन मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि अगर कोई तोहफ़ा दे तो कबूल कर लेना इस तरह आपने न सिर्फ़ उस पर अतमाद का इजहार फरमाया बल्कि कई लिहाज से उसकी मुश्किलें भी आसान फरमा दी उस खादम पर आपकी शफ़तों और प्यार की यही इंतहा नहीं थी बल्कि दो तीन दिन के उस सफ़र में आपका फ़ोन पर हर रोज़ उस खादम से हाल पूछना वहाँ की खबरें लेना और मख्त जमाती मामलों पर साथ के साथ हिदायत देने का आपका अंदाज़ कितना ही प्यारा दिल नशीन और बेतकलुफ़ था ऐसे ख़ुशकस्मत खादम के दिल की हालत ही ऐसे खुशकस्मत खादम के दिल की हालत ही को मोहतरम अबैदुल्आलिम साहब के शेर में बड़ी ख़ूबसूरती से बयान किया गया है यह मोहब्बत तो नसीबों से मिला करती है चल के खुद आए मसीहा किसी बीमार के पास हज़रत साहब बड़े प्यार से अपने ख़ुदाम को साथ साथ इल्म भी सिखाते रहते थे और उनकी गलतियों की तरफ खूबसूरती से तोजो भी दिला दिया करते थे मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूँ कि एक दफ़ा मैं हज़ूर मैं को कोई खात या मजमून सुना रहा था तो इसमें लफ्स हंसना आ गया मैंने जब नून पर पूरा ज़ोर देकर उसे हंसना पड़ा तो हजूर बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़े और फरमाया कि इसे हंसना नहीं बल्कि हंसना पड़ते हैं इसमें नून को नुमाया नहीं किया करते इसी तरह एक और सफ़र पर मैं हज़ू के साथ कार की अगली सीट पर बैठा हुआ था कि आपने चाय के लिए चमचा तलब फरमाया मैंने चमचा आपकी तरफ़ बढ़ाते हुए अर्ज़ किया कि हुजूर यह चम्मच ले लें तो बड़े मुस्कराए और फ़रमाया इसे चम्मच नहीं मियाँ चमचा कहते हैं कैनेडा के एक सफ़र के दौरान मेरी किसी गफलत और कोताही पर आपने कुछ इस तरह मुझसे इजहार नाराज़गी फरमाया अगले दिन के आटवा के सफ़र में दो में मराने काफिला के सिवा बाकी सबको बशमूल मेरे पीछे छोड़ दिया लेकिन अगले दिन सुबह चलते वक्त जब सर के मगमूम खड़े हम गुलामों पर आपकी नज़र पड़ी तो हिदायत फरमाई कि इन्हें अलग से शहर के लिए भिजवा दिया जाए चनाचे तामील अरसात में बोझल दिल के साथ हम भी एक वैन में बैठ के हजूर के काफिले से अलग आठवा के लिए रवाना हुए बहरहाल शाम के अंधेरे में आठवा मिशन हाउस पहुंचे तो हजूर अनवर वहाँ मुलाकातों और दूसरे प्रोग्रामों से फारिग होकर अपनी रहाश गाह की तरफ रवाना होने वाले थे हम पर नज़र पड़ी तो गाड़ी का शीशा नीचे करके मुस्कुराते हुए फरमाया खैरियत से पहुंच गए अर्ज़ किया जी हुजूर तो फिर आप ये फरमाते हुए वहाँ से तशरीफ़ ले गए कि इनको खाना वगैरह खिलाएं और मॉन्ट्रियल की सैर भी करवाएं हुजूर तो चले गए लेकिन लोगों की बेतनाही देख कर उस दिन ये बात हमेशा के लिए मुझे समझ आ गई कि इंसान को जो भी इज़्ज़त मिलती है वो खिलाफत के कदमों से वाबस्तगी और खिलाफत की बरकतों से मिलती है ये कि जब हम खाने वाले कमरे में गए तो सेकट्री साहब ज़ियाफ़त ने हमें आते हुए देख कर दूर से ही आवाज़ से फ़रमाया कि वो प्लेटें पड़ी हैं और वो हैं सालन और चावल प्लेट पकड़ें और ख़ुद ही वहाँ से डाल लें बस फिर कुछ ना पूछें कि दिल पर क्या गुजरी कहाँ वो वक्त के हज़ूर के सद के लोग हमसे प्यार और मोहब्बत करते थे और कहाँ ये वक्त के हुजूर की आर्जी नाराज़गी की वजह से भी लोग गोया हमसे नाराज़ बैठे थे दिल चाहे कि ज़मीन फटे और हमें निकल जाए उस दिन ये मजमून भी ख़ूब समझ आया कि खिलाफत और जमात एक ही हैं, दोनों एक ही वजूद का हिस्सा हैं बहरहाल अगले दिन जब मॉन्टियाल से होते हुए हम वापस टोरटो पहुँचे तो हजूर तो भी वापस तशीफ़ ला चुके थे अपनी रहाश गाह की तरफ़ जाते हुए हजूर ने हमें सैर के लिए ले जाने वाले ख़ादम को मुखातब करके फरमाया कि इन्हें सैर करवा लाए हो उन्होंने अर्ज़ किया जी हजूर फिर हुजूर ने बड़ी दिल आवेज़ मुस्कराहट के साथ मेरी तरफ़ देखा और फरमाया आपने खूब सैर कर ली है आप आएँ और अपनी ड्यूटी संभाल लें खाकसार ने अल्लाह के शुक्र अदा किया और फिर से हुजूर की दिलदारियों और शफकतों के मज़े लूटने लगा अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अलहदुल्ल अभाव जमात हजरत साहब से तबर्र की फहमाइश किया करते थे और हज़ूर रहमल्ला अक्सर उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी फरमा देते थे बल्कि आखिरी सालों में तो यहाँ तक हमें हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई तब्रकुन कुछ मांगे तो उसे मेरी तरफ़ से कुछ ना कुछ ज़रूर भिजवा दिया करें लेकिन इसके साथ ही जमात की तरबियत की खातिर आप उन्हें यह भी लिखवाते हैं कि संभाल कर रखें किसी को और किसी को दिखाना नहीं क्योंकि फिर लोग देखा देखी मांगने लग जाते हैं और आपको हरगिज़ गिज़ ये पसंद ना था कि लोगों को मांगने की आदत पड़े इसी वजह से आप इससे मना फरमाया करते थे इसी तरह अगर कोई तोहफ़ा मांगता है तो आप फरमाते कि तोह मांगने से नहीं मिला करता तोह देना तो तहफ़ा देने वाले की मर्ज़ी पर मुनसर होते हैं हाँ तबर्रक है जिसकी ख्वाहिश की जा सकती है इस तरह आप बड़े प्यारे अंदाज से बात समझा कर तरबियत फरमा देते तबर्रकता फरमाने में आप जहाँ लोगों की ख्वाहिश पूरी फरमाते वहाँ अपने साथ खिदमत करने वालों के जज्बात का भी बगौर जायज़ा लेते रहते कि ख़ुद तो वो आपसे कुछ मांगने की सकत नहीं रखते और लोगों को आपसे ले, ले के देते रहते हैं यहाँ एक कभी भी ना भुलाया जा सकने वाला अपना एक वाक्य पेश करता हूँ एक रोज़ जब हुजूर सुबह दफ्तर से लाए तो साथ अपने ज़ेर इस्तेमाल कुछ कपड़े भी लाए जिनमें बुनियाने और पाजामे भी थे आपने साजिश ग़ुलाम को बुलाकर फरमाया कि ये तुम ले लो तुम्हारे लिए लाया हूँ आपके इस बेपाया प्यार को देख कर मुझ पर तो सकते किसी कैफियत तारी हो गई बड़ी मुश्किल से जज्बात बात पर काबू पाकर अर्ज़ किया हजूर अल्लाह तो फरमाया इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है वाकई ये एक हकीकत है कि बिन मांगे मिले मोती बिन मांगे मिले मोती मांगे मिले न बीक सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौला जो मेरे नहा खाना दिल की ख्वाहिश से खूब वाकिफ था उसने मेरे दिल की हसरत ख़ुद हजरत साहब के जरिए पूरी फरमा दी घर ले जाकर जब मैंने इन कपड़ों को देखा तो कई जगहों पर हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से अपने आका व मौला हजरत तकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में पैबंद लगाए हुए थे आप बावजूद बादशाही के फ़ीराना ज़िंदगी को तरजीह दिया करते थे आपको चीज़ों का जिया सख्त नापसंदीदा था एक बार यूँ हुआ कि कुछ दिनों तक एक इस्तेमालशुदा टिशू पेपर जिस पर स्याही वगैरह के निशानात भी लगे हुए थे हुजूर की मेज़ पर पड़ा रहा हमने दफ्तर की सफाई के दौरान उसे उठा दिया लेकिन जब हुजूर दफ्तर तशरीफ़ लाए और इस टिशू को गैप पाया तो बुलाकर फरमाया कि यहाँ मेरा एक टिशू पड़ा हुआ था वो कहाँ गया हमने अर्ज़ किया कि इस्तेमाल शुदा स्याही लगा हुआ गंदा टिशू था इसलिए हमने उठा के बिन में फेंक दिया है तो फिर मैं इसे क्यों ज़ाय कर दिया वो तो मेरे काम का था मैं तो इससे अपना पेन साफ़ किया करता था यह तो आपका रोज़मर्रा का मामूल था कि कागज़ के टुकड़ों को भी ज़ाय ना होने देते थे और नया कागज़ इस्तेमाल करने के बजाय उन्हीं को नोट्स वगैरह लिखने के लिए एक तरफ़ रख लेते इसी तरह कागज़ के चारों तरफ और फिर उस कागज़ की उल्टी तरफ भी बड़ी बेतकल्लुफ़ी से लिख लिया करते थे हमने कभी अगर नया कागज़ लेकर का लिखने का इरादा भी किया तो फौरन फ़ौर फ़रमाते इसी पर लिख लो पीछे भी तो लिखा जा सकता है फिर यह भी बारहा देखा कि डाक के वो लफाफे जिन पे नाम और पता वगैरह ना नहीं लिखा होता था उन्हें बड़ी एहतियात से खोल कर अपनी टेबल पर पड़े हुए लफाफों के रैक में रख लिया करते हैं ताकि किसी को खत भिजवाना हो तो इन्हीं को दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाए इस तरह हमेशा आपकी कोशिश होती कि किसी भी किस्म का जिया ना हज़रत साहब जहाँ जमाती गैर ज़रूरी अखराजात को भी चाहते हैं, वहाँ गैरों की हमदर्दी में भी उन पर कभी कोई ज़ायद बोझ न पड़ने देते हैं। एक बार जमात ने किसी इंग्लिश प्रेस से किसी कोई किताब छपवाई तो प्रेस की गलती से उसकी कटिंग मैारी ना हो सकी चन प्रेस वाले अपनी गलती को तस्लीम करते हुए तैयार थे कि हम इसी कीमत पर नए सिरे से किताब प्रंट कर देते हैं और जमात के कारकुनों का भी यही ख्याल था कि हमें मुफ्त में जब दोबारा प्रिंट प्रिंटिंग मिल रही है तो हमें ज़रूर प्रिंट करवा लेना चाहिए लेकिन हुजूर ने उनके इस मशवरे को सिर्फ इसलिए कबूलना फरमाया कि अगर हमारा काम चल सकता है और किताब में से कोई लफ्स कटा हुआ भी नहीं तो बिलावजा हम किसी का नुकसान क्यों करें इस तरह हुजूर ने प्रेस से मुफ्त में दोबारा वो किताब छुपाने की इजाज़त न दी गैरों से उसने सलूक का एक और वाक़ पेश करता हूँ हजूर का ये दस्तूर था कि आप हर साल गर्मियों में पाकिस्तान श्याम मंगवाते और उन्हें अपने गुलामों और अजीज़ों वगैरह में तकसीम करके बहुत खुशी महसूस फरमाया करते थे जिन हज़रत साहब की किताब रेवलेसन रैशनैलिटी नॉलेज एंड ट्रूथ छप रही थी तो उन्हीं दिनों पाकिस्तान से जूर के अपने बाग के आम भी आ गए तो आपने खिदमत करने वाले अहमदी खादमों के साथ साथ किताब की प्रंटिंग करने वाले अंग्रेज़ी प्रेस के मुलाजम को बीनामों का तोहफ़ा भिजवाया और इस तरह अपने फैज़ को अपनों और गैरों सबके लिए यकसा तौर पर आम फरमा दिया हुजूर एक ऐसा नूरानी वजूद थे कि आपका हुस्न व जमाल नज़रों को खीरा कर देता था गैरों की नज़र पड़ती तो टिक ही जाती और बारहा देखा गया कि राह चलते लोग मुड़ मुड़ कर आपकी तरफ़ देखते जाते और कई लोग तो बिलाखिर आपके साथियों से आकर पूछ ही लेते किसन दिलरबा हस्ती कौन है ये हसीन व दिलरबा हस्ती कौन है और इस तरह आपका वजूद लोगों को तबलीग करने का कर एक जरिया बन जाता एक सफ़र में स्वीडन से वापसी पर डेनमार्क से होते हुए वापस आ रहे थे जहर असर की नमाज़ों का वक्त था हजूर ने फरमाया कि आगे किसी मुनासिब जगह पर रुक कर नमाजें अदा कर ली जाएँ चुनाचे एक जगह काफ़िला रुका और होटल घर में जाकर दरियाफ़त किया गया कि कुछ देर के लिए हमें एक कमरा किराए पर दे दें ताकि हम नमाज़ें अदा कर लें तो खातू खाना ने यह कह कहकर कमरा देने से इनकार कर दिया कि यह कारोबार का वक्त है और हम बहुत बिजी हैं हम नहीं दे सकते हम मायूस होकर आगे बढ़े तो हजू ने हिदायत फरमाई कि आगे जो भी मुनासिब जगह मिले वहीं ठहर जाए थोड़ी देर बाद जेट पेट्रोल पम्प पेट्रोल स्टेशन आ गया तो हम सब वहाँ रुक गए कार पार्क में दो गाड़ियों ने दरमियान में जगह छोड़ कर गाड़ियाँ पार्क की और एक गाड़ी सामने खड़ी कर दी गई दरमियान में खाली जगह पर चादरें बिछाईं और शदीद सर्दी में नमाजें अदा की गईं जब हम कारों में बैठ गए तो दो शख्स कारों की जानब दौड़ते हुए आए वो हमें नमाजें अदा करते हुए देख चुके थे बड़ी मोहब्बत और प्यार के अंदाज में उन्होंने चाकलेट के दो बड़े पैकेट फी गाड़ी तोहफे के तौर पर पे पेश किए और साथ ही कहा हमें यूं लगा कि कोई बड़ा शख्स हमारी जगह पर इबादत करके जा रहा है हमें यूं लगा कि कोई बड़ा शख्स हमारी जगह पर इबादत करके जा रहा है इसलिए हम खुशी के तौर पर कुछ पेश कर रहे हैं ये दो ये देख कर हज़ू भी अदरा शफकत उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गाड़ी से नीचे तशीफ ले आए एक दफ़ा एक सफ़र से वापसी के वक्त एयरपोर्ट पे चेक इन के दौरान काफ़ी तंग किया जा रहा था और हम चाहते थे कि हज़ू की आमद से पहले तमाम काम मुकम्मल हो जाए लेकिन वो मुसलसल तखिर किए जा रहे थे इतने में हजरत साहब की आमद का वक्त हो गया जैसे ही हजूर चेक इन डेस्क के सामने तशरीफ़ लाए और आफ़िसर की नज़र हजूर पर पड़ी तो बेख्तियार खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप लोग इनके साथ हैं इनको तो मैंने कई दफ़ा टी वी पर देखा हुआ है जाएँ आप सब लोग क्लियर हैं और इस तरह मज़दीद वक्त ज़्याए किए बग़ैर सब कुछ क्लियर कर दिया खिलाफत अहमदिया की ये वो इम्तियाज़ी शान है कि आप खिलाफत के किसी भी दौर में चले जाएँ आपको नुरानी वजूद ही मिलेंगे जिनके चेहरे सच्चों के चेहरे होते हैं वो जिधर से भी गुजरें लोग नजरें फ़र्श राह किए होते हैं आज खिलाफत खामसा के दौर में भी जाए जाए से वाक़ रूनुमा होते हम देखते हैं कि लोग अपने हों या प्राय हजूर हमारे प्यारे आका पर नज़र पड़ते ही खड़े के खड़े रह जाते हैं गोया साके तो जामद हो गए हों कोई पूछता है ये कौन है तो कोई फौरन अपने कैमरे की तरफ लपकता और आपके हसीन चेहरे की तस्वीर ले खुश होता है और कई दरख्वास्त करके ख़ुद भी साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाने को अपने लिए एक एजाज़ समझते और इस खुश नसीबी पर नाजा दिखाई देते हैं खिलाफत अहमदिया की ये सब बरकतें दरअसल हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बाजूद से वाबस्ते हैं क्योंकि खिलाफत अहमदिया आप ही की खिलाफत का एक तसलसल तो है और आपकी पेशगोई के मुताबिक खिलाफत अला नबू है हज़रत खलीफतलमसी राबे ने सत्ताईस अगस्त उन्नीस सौ तिरानवे के खुतबा जुमा में फरमाया था बस अगर खुदा सच्चा है और लाजिमन खुदा से बढ़ कर कोई सच्चा नहीं अगर मसीह मऊदा इस्लाम सच्चे हैं और लाजिमा इस ज़माने के इमाम के तौर पर इस ज़माने में आपसे बढ़ कर कोई और सच्चा नहीं तो लाजमन वो जूटे हैं जो ये समझते हैं कि खिलाफत अहमदिया का सिलसिला मुनक़त हो जाएगा और खिलाफत से बाहर किसी तजदीद की मोहताज होगी फिर खुदा तला की फैली शहादत आपके सामने है देखें सदी गुजर गई जिस सदी के सर पर यह पर्पंडे किए जा रहे थे लेकिन कोई मुजदस ज़ाहिर नहीं हुआ दूसरी सदी शुरू हो गई लेकिन खिलाफत आहमदिया से बाहर कोई जाहिर नहीं हुआ बस खुदा की गवाही गवाही ने हमेशा के लिए उन लोगों के प्रपोगंड को जुटला दिए हैं जो कहा करते थे कि अब खिलाफत के आखिरी सांस हैं और तजदीद के दिन आ रहे हैं किसी मुजदत की तलाश करो मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि ऐसे लोग अगर सौ साल की उम्रें भी पाएँ और मर जाएँ तो नामुरादी की हालत में मरेंगे और किसी मुजदत का मुँह नहीं देखेंगे उनकी औलादें भी लंबी उम्रें पाएँ और मरती चली जाएँ और उनकी औलादें भी लंबी उम्रें पाएँ और मरती चली जाएँ खुदा की कसम खिलाफत अहमदिया के सिवा कहीं और मुझे का मुँह न देखेंगी यही वह तजदीद दीन का ज़रिया बना दिया गया है जो हर सदी के सर पर हमेशा जमात की ज़रूरतों को पूरा करता चला जाएगा हज़रत मसीह मऊदाम ने फरमाया है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए यह दूसरी कुदरत दिखलाई जाएगी हजरत साहब का यह इकतबाश में पढ़ रहा हूँ अभी मैं अल्फाज पढ़ कर सुनाता हूँ यह तख्लीबतमसीब फरमाते हैं मैं अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ दूसरी कुदरत तुम्हारे लिए भेज देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी उनके साथ रहेगी जो उसके साथ रहेंगे उनके साथ नहीं रहेगी जो उसके साथ नहीं रहेंगे बस क्या मत तक के लिए खिलाफत से अपना दामन इस मजबूती से बांध लें कि जैसे उर्वाए उसका पर हाथ पड़ गया हो जिसका टूटना मुकद्दर नहीं है हो नहीं सकता बस आप अगर खिलाफत के साथ रहेंगे तो खिलाफत लाजिमन आप के साथ रहेगी और यही दोनों का साथ है जो तोहीद पर मुंतज होगा फिर आप फरमाते हैं इस बात को ख़ूब समझ लीजिए कि आप जब तक माह नहीं बनेंगे और इस दुनिया में भी एक मुआहद सोसाइटी को पैदा नहीं करते उस वक्त तक फ़र्ज़ी तोहैद कोई चीज़ नहीं तो वो है जो अमल की दुनिया में नज़र आ रही हो और ख़ुदा ने आपको इसके नमूने दे दिए हैं इसके बाद भी अगर आप अपनी सच अगर इसके बाद भी अगर आप अपनी सोसाइटी को मुआज़ सोसाइटी नहीं बनाते और एक बदन की तरह जान नहीं बन जाते और हर अहमदी का दुख सब का दुख नहीं बन जाता हर अहमदी की खुशी सब की खुशी नहीं बन जाती उस वक्त तक माशरा मजमूरी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता इसलिए कोई ऐसा फ़ेल ना करें इसलिए कोई ऐसा फ़ेल ना करें जो इस तोहेद को तोड़ने वाला और इसकी यगानगत की रूह को पारा पारा करने वाला हो जब आप अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा कर लेंगे तो फिर आप वद बन जाएंगे जो कौम वाद बन जाती है उसको खुदा तला की तरफ से बेशुमार बरकतें नसीब होती हैं और दुनिया में अजीम शान तरक्की करती है और दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती आज अगरचे बकौल शायर आंखों में जो चमकते थे तारे चले गए आँखों में जो चमकते थे तारे चले गए गुलशन के सब हसीन नज़ारे चले गए जिन से फ़रहत दिल थी नहीं रहे ख्वाबों के चांद आँखों के तारे चले गए लेकिन अहमदियत की शान और खिलाफत की बरकत जैसा कि मैंने बयान किया यह है कि वह अल्लाह ताली के हजरत मसीह मऊदलात सलाम से किए हुए वादा के मुआफ़ क़यामत तक जारी रहेगी और जमात अहमदिया के लिए खुदा ताली की तकदीर यही है कि अगर वो नूर मुस्तफ़ी अलैहि वसल्लम से फैज़ याफ्तः इन बाबरकत वजूदों की खाक नशीनी को अपनी जिंदगियों का शेवा बना लेगी तो फिर वो हमेशा ही गालिब रहेगी और जो इन खलफा की ताद का जुआ कामिलखलास और वफ़ा के साथ अपनी गर्दनों पर डाल लेगा वो हमेशा दीनी दुनियावी और रूहानी तरक्यात से बहरा होता रहेगा इसलिए ए मसीह मऊदा की प्यारी जमात ए मसीह मऊदा की प्यारी जमात अगर तुम दुनिया पर गालिब आना चाहते हो तो खिलाफत अहमदिया के साथ दिलो जान से वस्ता हो जाओ ये वो उर्वा उसका है जो ना कभी टूटेगा ना कुंद होगा और यही कामयाबियों की वो कलीद है कि जिसे नसीब हो जाए फिर कभी उसकी सरिश्त में नाकामी का खमीर नहीं उठता ये हबलुल्ला आज हमें हजरत अकदस मसीह मऊदल के इस पाँचवें मजहर के वजूद में नसीब है जिसके हर गाँव और हर काम में खुदा तला ने फतः और नुसरत लिख दी है अल्लाह ताला हर रोज़ अपने वादे इन्दीमा का या मसरूर के मुताबिक जिस तरह इस पाकिज़ा और मुतहर वजूद के साथ अपनी माइत और अपनी तायद और नुसरत का इजहार फरमा रहे हैं या जो उसका भी एक ऐनी शाहिद है आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले एक एक बोल और एक एक कलमे की खुदा तला कदरदानी फरमाते हैं और इसी के मुताबिक आहमदियों के लिए अपनी शान के नित नए जलवे दिखाते हैं हजरत मसलिम रजी का एक इकतबाश पेश करके रुखा चाहता हूँ ए आप फरमाते फर्म, हैं ए दोस्तों मेरी आखिरी नसीहत यह है कि सब बरकतें खिलाफत में हैं नबूत एक बीज होती है जिसके बाद खिलाफत उसकी ताशीर को दुनिया में फैला देती है तुम खिलाफत हक़ा को मजबूती से पकड़ो खिलाफत हक़ा को मजबूती से पकड़ो और इसकी बरक़ात से दुनिया को मतमत करो ता ख़ुदा तुम रहम करे और तुम उस और तुम को इस दुनिया में भी ऊंचा करे अल्लाह करे कि हम में से हर एक इस नेमत उजमा की कदर करने वाला हो अल्लाह ताला हमें खिलाफत की बरकतों से अपने दामन इस तरह बनने की तौफीक दे कि दीनों दुनिया की तमाम ऊंचाइयां और बुलंदियां हमारे नसीब में लिखी जाएं आमीन सुम्मा आमीन आखिर आलमीन